अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है एंड आई एम द होस्ट ऑफ द मंसूरी शो, द शो दैट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिलाऊंगा बताऊंगा दिखाऊंगा। योर लिंक टू एवरीथिंग पाकिस्तानी स्ट्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया, द मंसूरी शो। फातिमा हजरात, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान से आने वाले 8 खवातीन पर मुश्तमिल एक वफद से, जिसने हाल ही में US स्टेट डिपार्टमेंट की दावत पर अमरीका का दौरा किया। इस ग्रुप का ताल्लुक CTF या क्रिटिकल थिंकिंग फोरम ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है और इनके दौरे का मकसद पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन गलतफहमियां मिसकंसेप्शंस को दूर करना और खैर सगाली के जज्बात को फ़रोग देना था। आइए इस ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड रिसर्चर्स एंड थिंकर्स ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारी ये गुफ्तगू मुलाहजा कीजिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपकी जो रिसर्च है वो किस शोबे में है। मैं मुनज़ा याकूब, और जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है, बेसिकली डिग्री तो इंग्लिश लिटरेचर में है, लेकिन रिसेंटली जो मेरा रिसर्च एरिया है या फोकस ऑफ माय रिसर्च है वो साउथ एशियन इंग्लिश फिक्शन पे है। फिक्शन पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश वगैरह में लिखी गई है। इसके अलावा कल्चरल स्टडीज़ भी मेरा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि जो लिटरेचर है या फिक्शन है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ को और कल्चरल नॉर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है और मिसरिप्रेजेंट करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरत मेहर हूँ और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेम्बर हूँ। मैं बेसिकली लिटरेचर टीचर हूँ और उसके साथ, लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो लिंग्विस्टिक्स पर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोनिया इरम है। मैं पिछले 5 साल से इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। इस वक्त मैं रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है वो है इको क्रिटिसिज्म इन कंज्यूमरिज्म इन पाकिस्तानी फिक्शन एंड ऑल्सो कनेडियन फिक्शन इन इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेरा बतूल है और मैं वकारोनिसा कॉलेज रावलपिंडी से मुंसलिक हूँ, और उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग फोरम के साथ मैं पिछले 5 साल से वाबस्ता हूँ, और जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म और प्लैनेटरिटी है, और मैं रिसर्च कर रही हूँ पाकिस्तानी इमिग्रेंट फिक्शन पे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सूफिया हुसैन है और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेज़ी से वाबस्ता हूँ पिछले तकरीबन 10 साल से। मेरी रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी फिक्शन को फोकस करते हैं। मेरा एमफिल का थीसिस इसी बारे में था और अब मैं PhD में क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागॉजिकल अप्रोच पर काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है और मैं क्रिटिकल थिंकिंग फोरम से गुज़िश्ता 5 सालों से वाबस्ता हूँ। इसके अलावा मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हूँ, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिंग्विस्टिक्स है। मैंने MPhil कंप्लीट किया है लैंग्वेज में, और जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च है वो पेडागॉजी से, टीचिंग मेथडोलॉजी से लिंक करता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा राशिद है और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 8-9 सालों से मुंसलिक हूँ, क्योंकि मैंने अपना बैचलर्स वहाँ से किया था। उसके बाद मैं MPhil का थीसिस कर रही हूँ जो, और मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है ट्रांसनेशनल फेमिनिज्म्स एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा मैं पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर भी काम कर रही हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबू अली है। मैंने ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ा है और मैं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, और मेरे रिसर्च एरियाज़ हैं वुमेन पॉलिटिकल राइट्स इन पाकिस्तान और वोटिंग बिहेवियर इन पाकिस्तान, और मैं क्रिटिकल थिंकिंग फोरम के साथ एज कोर कमेटी मेम्बर काम कर रही हूँ। आप जो हैं हमारे मुल्क का लाजिम आता ब्रेन हैं, और इसी बुनियादों पे आपको जो यहाँ का वजारत खारजा है, स्टेट डिपार्टमेंट है अमरीका का, उसने आपको एज ए मेहमान यहाँ पर मदु किया, और मैं चाहूँगा कि आपकी जो कि ये क्रिटिकल थिंकिंग फोरम है उसके बारे में मैं चाहूँगा मुनज़्ज़ा याकूब साहबा के आप हमें बताइए क्रिटिकल थिंकिंग फोरम जो है वो क्या है, उसके अगराज और मकासद क्या हैं, और उसका क़याम कब अमल में आया।
क्रिटिकल थिंकिंग फोरम को जनरली हम CTF कहते हैं, उसको शॉर्ट कर। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे CTF के, जो आपने बात की अगराज व मकासद, तो जब हमने इसको 2014 तक एस्टेब्लिश किया तो हमारे जो रिटन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अब हैं, वो हैं कि हम इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ना सिर्फ अपने मुल्क में जो लोग डिफरेंट एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, जैसे अभी हम अमेरिका आए हुए हैं। इसी तरह हमारा ये था कि लेटेस्ट जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और लेटेस्ट पैडागॉजीज़ हैं जो दुनिया में हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी में और बाकी जगहों पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके अलावा था कि हम पाकिस्तान में वेमेन की एज वेल एज यंग पीपल, हमारा जो फोकस है वो यूथ पे है, कि उनके अंदर एक टॉलरेंस कैसे पैदा करें ना, उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी कैसे पैदा करें, उनको कौन किस 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 चीज़ की टीचिंग उनके अंदर होनी चाहिए, और हमारे पाकिस्तान के कौन से ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो बहुत प्रेसिंग हैं और हम बीइंग एजुकेटेड वुमेन उनमें पार्टिसिपेट और उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे जो आपका ये हालिया दौरा लॉस एंजलिस का है इसके बारे में पूछूँ, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तानी ख्वातीन के बारे में एक सर्टन इम्प्रेशन है, वो ये है कि लाजिमात है यहाँ का जो मीडिया है वो जो प्रोजेक्ट करता है नेगेटिव इमेज उसके हिसाब से, कि हमारे यहाँ एक बड़ी बैकवर्ड थिंकिंग है और ख्वातीन का बड़ा इस्तेहसाल हो रहा है, उनको कोई आज़ादी नहीं है, और एक लंबी लिस्ट है कि जनाब ख्वातीन को वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो क्या आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे यहाँ के वेस्टर्न मीडिया को या वेस्टर्न कम्युनिटी को कि वहाँ पे ख्वातीन का जो है वो मतलब क्या सिचुएशन है? मेरा ख्याल है कि हमारा एक पैनल था इस पे जो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि सीइंग ईच अदर, उसका टॉपिक था सीइंग ईच अदर एंड द इमेजेस ऑफ वेमेन ऑन मीडिया। ये दो हमारे टॉपिक थे शायद, एक था जो फर्स्ट था कि सीइंग ईच अदर, कि हाउ अमेरिकन सोसाइटी परसीव्स अस एंड हाउ वी परसीव अमेरिकन सोसाइटी, और दूसरा हमारा था इमेजेस ऑफ वुमेन ऑन मीडिया। तो दोनों में हमने यही बात की है कि इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, ये सच है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी क्लासेस हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जहाँ वुमेन ऑपरेशन है, और वो वुमेन ऑपरेशन की मल्टीपल रीजंस हैं। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पावर्टी है वहाँ पे, पावर्टी की वजह से इलिटरेसी है, तो बहुत सारी जो इलिटरेट वुमेन हैं जो हमारे फार ऑफ एरियाज़ में रहती हैं, जो या जो एक पावर्टी लाइन के बिलो जो लोग अनप्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, तो ऑपरेशन है उसमें। लेकिन सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान, वो एक एक एस्पेक्ट है, दैट मे बी द हाफ ऑफ द ट्रूथ। दूसरा हाफ ऑफ द ट्रूथ ये है जिसको हम सारे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी फिजिकल प्रेजेंस जो है ना यहाँ पे, उसका एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा है, वो ये है कि दिस इज़ द अदर हाफ ऑफ द ट्रूथ। पाकिस्तान, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ये दिखाया है, वो जो सारी फैक्चुअल प्रेजेंटेशन थी कि हमारे पास मिलिट्री में जनरल भी हैं जो वुमेन हैं, हमारे पास डॉक्टर्स का ये डेटा है, हमारे पास जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड वुमेन हैं वो ये हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, हमारे पास CEOs हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को चलाती हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हैं, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन ये वाली चीज़ें वेस्टर्न मीडिया में शायद बहुत कम आती हैं। तो एजुकेटेड जो वुमेन हैं वो एक बहुत बड़ा एक फ्रैक्शन, एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है उनकी जो किसी तरीके से आ नहीं रही है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि सो फार वी हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। कोई और इसमें ऐड करें? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ जो डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने कहा है कि वेस्टर्न मीडिया में अनफॉर्चुनेटली जो हम असल एक पाकिस्तानी औरत है उसकी अक्कासी नहीं की जाती। अब अगर और स्पेशली जब हम यहाँ पे आए और हमने देखा तो बहुत सारे लोग ये जानने में बहुत ज़्यादा उनका इसरार था ये बात जानने में कि हम लोग जो हैं, ये तासुर दिया जाता है वेस्टर्न मीडिया में कि जो हमारा दुपट्टा है या जो हमारा स्काफ है ये हमारे लिए ऑपरेशन का बायस है, या हमें हमारे सर को ज़बरदस्ती की जाती है, या हमारे ऊपर कोई कंपल्शन है। तो हमने ये एक चीज़ भी क्लियर की यहाँ पे कि जो हम अगर हम स्काफ ले रहे हैं, अगर हम वेल कर रहे हैं, अगर हम दुपट्टा ले रहे हैं, तो ये इट इज़ नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड विद ऑपरेशन। ये हमारी अपनी चॉइस है और ये हमारी
ये हमारी अपनी मर्ज़ी भी है। तो बात सिर्फ ये है कि आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि एक इमेज को लेके आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते पूरी पाकिस्तानी ख़वातीन के ऊपर। हर तरह के माशरे में हर तरह के मुख्तलिफ लोग होते हैं और उनके मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। तो और थोड़ा सा हमारा ये भी इमेज है कि वो सब समझते हैं कि पर्दा हम सारी रिलीजियस या मज़हबी तौर पे सब करें, लेकिन बाज़ ऐसे इलाके हैं हमारे जहाँ पे ये रवायती है या आपकी रवायत है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ हैं, आपके ट्राइबल सेटअप में उसको कल्चरल लिया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि मज़हब की वजह से हम पर्दा कर रहे हैं। हाँ, एक हेड कवरिंग एक प्रॉपर कोड है हमारे रिलीजन में, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ फैमिली ऑनर के लिए किया जाता है, इसमें मज़हब का इतना अमल दखल नहीं होता। हाँ, बस ये कल्चरल फैमिली ट्रेडिशंस हैं जिनमें किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो जनरल मतलब सब एग्री करेंगे, उसमें दुपट्टे वाली ख़वातीन भी हैं, गले में भी दुपट्टा लेते हैं, सर पे टाइट स्कार्फ भी लेते हैं, बुरका भी करते हैं, मतलब पाकिस्तान इज़ ऑल दैट, हम सारी डिवर्सिटी है, इस तरह के सारे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो बुरका कर रहा है वो अप्रेस्ड है, वो उसकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। एक और चीज़ जिसकी मैं वजाहत करना चाहूँगी वो ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया है पर्टिकुलरली और कुछ हद तक हमारा अपना मीडिया भी, उससे ये एक इमेज आता है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो उनका एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं है, या उनको अगर वो पढ़ना भी चाहती हैं तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर फैक्चुअल पोजीशंस देखें, अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की रेशियो देखें, आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, तो जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनकी एनरोलमेंट बल्कि ज़्यादा होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स। और कुछ जैसे हमारे दूर दराज के इलाके जैसे सवात है, गिलगित है, और उनके बारे में लोगों को ये लगता है कि शायद वहाँ की औरतें बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, उन्हें एक बिल्कुल वो चादर और चार दीवारी वाला कॉन्सेप्ट है कि वो बस बाहर ही निकल सकती हैं, उन्हें किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर जाएँ और जो एक रियलिटी भी है, वहाँ के जो एरिया की ख़वातीन हैं उनकी तो 100% 99-98% वहाँ का लिटरेसी रेट है। तो ये चीज़ें भी क्योंकि मीडिया में है, हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मीडिया क्योंकि वो एक कमर्शियल पर्पसेस होते हैं और उसके में पॉलिटिकल पर्पसेस भी होते हैं, लेकिन मेन टीओआरस की बात होती है कि आप क्या चीज़ सेल करेंगे, आप कौन सी पिक्चर की साइड दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा वो चीज़ों की अट्रैक्शन मिलेगी। तो जब आप लोग जैसे हम यहाँ पर आए हैं, हम आके यहाँ पर डायरेक्ट लोगों से मिले हैं, हमने उन्हें बताया कि किस तरह अगर हमने जैसे अब हम में से कोई भी एमफिल से जो है कम पढ़ा लिखा नहीं है, तो आखिर हम लोग कोई एक रीजन से तो नहीं आए, हम पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे डिफरेंट अपने सेटअप्स हैं, नॉर्म्स हैं जिनसे हम निकल के आए हैं। तो वो ये तो नहीं है कि हमें किसी हम कोई वो लड़ झगड़ के घर से बाहर आए हैं, आखिर हम अपने घर वालों की मर्ज़ी के साथ लोगों से बातचीत करके आए हैं बिल्कुल, और यहाँ तक आने दिया फिर हमें, और हम अकेली ख़वातीन सारी की सारी आई हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं बड़े इंडिपेंडेंटली, हमें कोई मुश्किल ना तो वहाँ से आने में हुई है और ना यहाँ आके किसी किस्म की कोई मुश्किल या कोई मतलब ऐसा हमें परेशानी फेस करनी पड़ी है। तो ये एक बड़ा एजुकेशन के हवाले से हमारा एक बड़ा नेगेटिव इमेज आता है दुनिया में, और इसे हाल से हमें खुद भी लोगों को भी और मीडिया हमारे पाकिस्तानी मीडिया को इस चीज़ को डिसमिनेट करने की ज़रूरत है, डिसमेंटल करने की ज़रूरत है इसको बिल्कुल। और CTF के थ्रू हम पाकिस्तानी जो वमेन है ना उनका ये जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल कर रहे हैं कि जो मीडिया पे आप लोगों को कितना दिखाया जाता है वो बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पावर्टी हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, और कुछ जगहों पे ट्राइबल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं है। बहुत सारी जो आप लोग हैं जब आपको घर से बाहर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक आ गए हैं, तो आपकी अपनी एक से है, एक कॉन्फिडेंस है, और एंड यू कैन प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन द सोसाइटी। हम सारे उसको कर रहे हैं, और हमारे साथ और बहुत सारी बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी में, ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में बल्कि अभी तो हमने प्रोजेक्ट की फ़र्स्ट फेज़ में 4 यूनिवर्सिटीज़ में और जाके अपनी वर्कशॉप्स की हैं, बात की है, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वहाँ पे हमारे साथ हैं। तो ये एक एक हमारी तरफ से आप क्या कह लें कि एक कोशिश है कि जो हम उन जो वेमेन हैं उनका ये कॉन्फिडेंस भी बहाल करें कि आप ओप्रेस्ड नहीं हैं, आप अगर इतने एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अपनी वॉइस को इस्तेमाल करें, अपने कॉन्फिडेंस को करें, और अपनी वैल्यूज़ को साथ लेके आप एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा इमेज अपनी सोसाइटी में भी बना सकते हैं और उसको ग्लोबल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग फोरम ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वफद के साथ हमारी गुफ्तगू। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू द मंसूरी शो. आप देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग फोरम ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वफद से हमारी गुफ्तगू. इस वफद ने हाल ही में US स्टेट डिपार्टमेंट की दावत पर अमरीका का दौरा किया. आइए इस गुफ्तगू का बाकी हिस्सा मुलाहिज़ा कीजिए. आपने जिक्र किया और आई अप्रिशिएट आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इस्लाम के कैटेगरी में डाल दी हैं, हालांकि वो कल्चर का हिस्सा हैं. दे आर नॉट रियली द रिलीजन बट द कल्चर. तो उसी हवाले से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर लॉस एंजलिस के इलाके में सदर्न कैलिफोर्निया ख़ासतौर पर हमारे यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है MWAC जो कि अमेरिकन वुमेन एम्पावरमेंट. और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पहली दफ़ा सदर्न कैलिफोर्निया में अरवाइन सिटी में दो पाकिस्तानी ख्वातीन जो हैं सिटी काउंसिल के लिए लड़ रही हैं, अनीरा अली एंड फराह खान. और अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं लॉस एंजलिस में एक बहुत ही खूबसूरत घर में जो कि हिना आब्दी साहब और आब्दी साहब ने बहुत ही जनरसली हमें यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे लिए इंटरव्यू आपका. ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी वेल नोन इन द कम्युनिटी एंड उनका फाउंडेड द ग्रुप आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल एंड हैज़ बीन वेरी एक्टिव. सो हमारे यहाँ पे बहुत सारी रोल मॉडल वुमेन मौजूद हैं सदर्न कैलिफोर्निया कम्युनिटी में. आप हजरात जो हैं वहाँ पर किसको रोल मॉडल समझते हैं, जो कि अगर आप कुछ जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो आपके ख्याल में कौन सी वुमेन स्टैंड आउट एज रोल मॉडल फॉर आर पाकिस्तानी कम्युनिटी? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो मेरा ख्याल है कि हर वो औरत जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो टीचर है, वो मदर है, वो आपकी फ्रेंड है, वो आप कोई भी आपका रिलेशन है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो आपका रोल मॉडल है. लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में आप बात करें कि एक नेशनल लेवल पे हम किसे रोल मॉडल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइम पाकिस्तान में हमारे पास थाउजेंड्स ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं. जैसे कि बिज़नेस में आप फिज़ा फरहान को देख लें, वो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में इस टाइम रिप्रेजेंट कर रही है. बख्श फाउंडेशन की वो CEO है, तो वो एक बिज़नेस के सेक्टर में बहुत से लोगों में से एक रोल मॉडल हो सकती हैं. लेकिन इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं. फिर पिंक रिक्शा कैंपेन पाकिस्तान में चली है, उसकी जो फाउंडर हैं वो रोल मॉडल हैं. आपकी जितनी भी वुमेन पॉलिटिशियंस हैं, बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है पाकिस्तान के लिए. आपको हर किस्म के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल तमाम बैरियर से वो आपको बालातर नज़र आती हैं. और एक रोल मॉडल है वो आपके लिए कि वो भी एक पाकिस्तानी थी एंड यू कैन ऑल्सो कम. फिर हिना रबानी खर हैं, पाकिस्तान की पहली जो है खातून फॉरेन मिनिस्टर और पहली औरत जिन्होंने नेशनल असेंबली का बजट पेश किया है, वो भी आपके लिए रोल मॉडल हैं. और जर्नलिस्ट हैं हमारे पास नसीम जहरा हैं, वो हाँ मुसरत मिसबा एग्जैक्टली, जिन्होंने वो जो इस्माइल अगेन की फाउंडेशन है कि जो एसिड विक्टम्स हैं उनके लिए काम कर रही हैं वो. शीरी उवैद हैं जो पाकिस्तान को मीडिया के एंगल से एक बड़ा, हाँ शमीन उवैद वो एक बड़ा उसमें वो कर रही हैं, हमें उसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं. फिर परवीन हैं जिनका परवीन हाँ खाना घर है बिल्कुल, जो कि लोगों को जो कि हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं, जो लोग अपना खाना खुद अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको फ्री में भी नहीं देती हैं कि उनकी इज़्ज़त नफ्स पे कोई बात आए. वो उनको एक बड़े थोड़ी सी रकम के तीन रुपए के जो है वो आवाज़ में उनको दे देती हैं वो खाना. तो इस तरह के बहुत ज़्यादा रोल मॉडल्स हमारे आसपास हैं. 1, 2, 3 बल्कि 10 नाम लेना भी बहुत मुश्किल. आप हजरात यहाँ पर अब आपका जो दौरा था उसका अख्तिताम हो रहा है और आई अंडरस्टैंड कि आप कल पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले जा रहे हैं. मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपने पिछले 2 हफ्ते जो आपने यहाँ पर एंगेज आपने किया कम्युनिटी को एंड यू पार्टिसिपेटेड इन द पैनल डिस्कशंस, तो आपका कैसा तजर्बा रहा और व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट योर स्टे हियर? ओके, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 2 हफ्ते से हम लोग यहाँ पे लॉस एंजलिस में हैं, तो इस 2 हफ्ते का क़याम यहाँ पे बहुत अच्छा था. हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा. जब हम लोग ने यहाँ पे सफ़र करना था तो उस वक्त शायद कुछ फियर्स भी थे हमारे माइंड में कि हम अमेरिका जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसे रेसिज्म या कुछ हम लोग में से स्काफ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ तो हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा. लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. सब लोगों ने हमें बहुत वार्मली वेलकम किया, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप था सबका. इवन हमें एक अमेरिकन फैमिली ने डिनर पे भी इन्वाइट किया और वो भी हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना. उन्होंने बिल्कुल, दो फैमिलीज ने बल्कि हमें इनवाइट किया और उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जैसे उन्होंने हमसे बात की और वो बिल्कुल एक होम लाइक फीलिंग्स उन्होंने हमें देने की कोशिश की. और
कुछ चीज़ें थी जो वाकई थोड़ी सी शॉकिंग रियलिटी भी थी, जैसे कि जब आप अमेरिका का सोचते हैं तो शायद आपको लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। कुछ एक दो चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिली जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें अमेरिका जैसे मुल्क में जाकर देखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, हमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्टक होना पड़ा, दो दो तीन तीन घंटे लगे हमें वापस अपने रूम में पहुँचने का। लेकिन ट्रैफिक में ही फिर जो बहुत अच्छी बात है वो ये भी थी कि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी यहाँ पर एक सिग्नल्स का रूल है, वो बहुत आराम से डिग्निटी से रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो वो फिर एक बहुत अच्छा एलिमेंट भी था। इसी तरह थोड़ी सी पॉवर्टी का भी हमें लगा, कुछ होमलेस लोग भी हमें देखने को मिले जो कि मैं कम से कम नहीं सोच सकती थी कि अमेरिका और फिर लॉस एंजलिस जैसे सिटी में कुछ इस तरह का होगा, लेकिन होमलेस लोग भी नज़र आए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आने का ये 2 वीक्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक हम लोग जब यहाँ से जाएँगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके हम लोग अपने साथ जाएँगे। बिल्कुल, और यही इस विज़िट का मकसद भी था। इंटरकल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स का शायद मकसद ही होता है कि आप फेस टू फेस रियलिटी, जब आप रियलिटी को फेस करते हैं तो आपके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स डिसमेंटल होते हैं। यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था और वो वाकई ही हुआ भी। हमने बहुत सारे हमारे जो स्टीरियोटाइप्स थे वो डिसमेंटल हुए और हम एक बहुत पॉजिटिव मैसेज अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप हज़रात यहाँ पर कई, आपने 5 पैनल डिस्कशंस में हिस्सा लिया, मैं मालूम करना चाहूँगा कि वो पैनल डिस्कशंस के बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बता सकते हैं। जी, हमारे यहाँ पे 5 पैनल्स थे जो बड़े हमने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद हमने उन टॉपिक्स को डिटरमिन किया था, फिर उन वेन्यूज़ को जेनिफर जो हमारी कोऑर्डिनेटर है उनके साथ हमने किया। ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था हम सब के लिए कि हम लोगों को ये बता सकें यहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तानी सकाफत क्या है और पाकिस्तानी खवातीन जो है वो किस तरह से जो है वो अपने आप को डाइवर्सिटी किस तरह से लेकर आती हैं और किस तरह से जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो अमेरिकन कम्युनिटी है, आपके जो होस्ट भी थे, आप उनको क्या बताना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में, आपके ग्रुप के बारे में? व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर योर होस्ट हियर एंड द कम्युनिटी एट लार्ज? मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा मैसेज जो हमने यहाँ आके देने की कोशिश की अपने पैनल्स में और जो जिन घरों में, जिन कम्युनिटीज़ में हम वैसे इनविटेशन पे गए, कि पाकिस्तानी जो वमेन हैं वो सारे पाकिस्तान की वमेन ओप्रेस्ड नहीं हैं, सारे पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो इलिटरेट नहीं हैं, सारे पाकिस्तान की औरतें ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें ब्लाइंडली किसी तरफ भी लिया जा सकता है। वो कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज़ में है, कुछ जगहों पर है, उसकी कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं। बहुत सारे जो अभी प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान है उसकी वेमेन जो हैं बहुत बड़ी एक तादाद औरतों की जो है वो पढ़ी लिखी है, वो प्रोफेशनल है, वो कॉन्फिडेंट हैं, वो वोकल हैं और वो अपने मुख्तलिफ फील्ड्स में, वो घर में भी हैं लेकिन वो घर से बाहर बहुत सारे जो शोबे हैं उनमें बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल कर रही हैं। और जो औरतें इस तरह का सोशल वेलफेयर का काम करना चाहती हैं, प्रोफेशंस में आना चाहती हैं, कॉन्शियसनेस रेजिंग करना चाहती हैं, अगर उनमें ये कॉन्फिडेंस है और वो करना चाहती हैं तो उन पर कोई ओप्रेशन नहीं है। हम लोग उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए आए हैं, हम सारे पाकिस्तान के एक जो जनरल मिडिल क्लास है हम उससे बिलोंग करते हैं और मुख्तलिफ़ रीजन से आए हैं, कोई सेंट्रल पंजाब से आया है, कोई साउथ पंजाब से आया है, कोई कैपिटल से है, कोई सदरन पंजाब से है, कोई मेरा ख्याल है आप किसी और, डिफरेंट रीजन्स हैं जिनसे हम लोग आए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक काफ़ी मिसाल है और हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो भी ऐसे ही हैं। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि सारा पाकिस्तान जो है वो तालिबान भी नहीं है। पाकिस्तान के हमने बहुत जगहों पे प्रेजेंट, मैं यहाँ आने से पहले 6 महीने मेरा नॉर्थ कैरोलिना में पोस्ट डॉक था, वहाँ पे भी मैंने कुछ पाकिस्तान पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दी हैं जिसमें ये बात बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान बहुत कलरफुल है, हम बड़े कलरफुल लोग हैं, हमारे लिबास में, हमारे खाने में, हमारे घरों में, हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें कलर, म्यूज़िक, लाइवलीनेस, फेस्टिविटी एक बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ लोग अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो कर रहे हैं, हम सारे उसको कंडेम करते हैं, हम भी उस चीज़ के, उस एक्सट्रीमिज्म के विक्टिम पाकिस्तान के अंदर रह के भी हैं, लेकिन सारा पाकिस्तान ये नहीं है, बहुत सारे लोग हम जैसे लोग हैं। और इसीलिए अमेरिकन और पाकिस्तानी लोगों को एक दूसरे से पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं,
डायरेक्ट लोगों से बातचीत करना और उनसे मिलना और उनकी स्टीरियोटाइप जो इमेजेस उनके दिमाग में बने हुए हैं उससे हट के हम मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकते हैं. इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू ऐड. और जैसे डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने कहा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी कि हमारी भी बहुत सी जो स्टीरियोटाइप्स थी अमेरिकन सोसाइटी के बारे में वो भी बहुत डिसमेंटल हुई हैं. और यहाँ पे मीडिया का रोल बहुत अहम है. जैसे आप आज ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो हम ARY के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इमेजेस बहुत दिखा दी हमने दुनिया को. हमें बहुत ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की पॉजिटिव अच्छी जो साइड है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ. और इसी तरह से हम जो एक आपस में मिसकम्युनिकेशंस या मिस रिप्रेजेंटेशंस हैं वो ख़त्म होंगी और माशरे एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और अमन कायम कर सकेंगे पूरी दुनिया में. तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम ARY के आपने ये प्रोग्राम किया, और इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स फ्यूचर में होने चाहिए. बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, आपने क्रिटिकल थिंकिंग फोरम ऑफ द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हमारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए. आपके स्क्रीन पर जो एड्रेस है उस पर हमें अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स भेजते रहिए. और हमारे प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज़ विज़िट pakistanlink.com/ARY. हमारी जानिब से आपको सलाम. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.